अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ड्रॉअर का मेकओवर, जो कि मैंने अपनी एक ओल्ड ड्रॉअर का किया है, जिसको मैंने बहुत ही इजी 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो इससे ये होगा कि आप अपने बिल्कुल पुराना जो फर्नीचर है उसको नया कर सकते हैं, एक काफ़ी मॉडर्न लुक दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो है ड्रॉअर को सैंड करने का और पेंट करने का। सैंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पेंट करते हैं ना, तो सैंडिंग हुई हो तो उससे पेंट की जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ जो मेरा आइडिया था वो ये था कि मैं ड्रॉअर के टॉप को और उसकी साइड्स को पेंट करूँगी, ड्रॉअर्स को मैं छोड़ दूँगी, ड्रॉअर को मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड इस ड्रॉअर को पेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर चूज़ किया क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी था घर पर, ग्लॉसी फिनिश के साथ है ये, इसमें थोड़ी सी शाइन है, ग्लॉस सा है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का या आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो पेंट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी टॉप को और इसकी साइड्स को पेंट करके तो फिर अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि इस पेंट को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ये ऑयल बेस्ड पेंट है इसलिए। यहाँ अभी ड्रॉअर जो है वो पेंट होके काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है, तो यहाँ इसकी साइड्स को, इसके टॉप को और ड्रॉअर्स के नीचे थोड़ा सा वुड का पैच लगा हुआ है जो उसको खाली पेंट किया है, ड्रॉअर्स को मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हम करेंगे ड्रॉअर्स को, कुछ भी करने से पहले ये जो इसके नॉब्स लगे हुए हैं ड्रॉअर को खोलने के लिए नॉब्स, तो मैं इन सबको रिमूव कर लूंगी, इनको उतार के तो फिर इनको मैं पेंट करूंगी। यहाँ हो गए हैं सारे रिमूव, ये मैंने सारे रिमूव कर लिए हैं, तो अभी इनको पेंट करते हैं। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले मैं नीचे कोई कार्डबोर्ड डाल लेती हूँ ताकि मेरे फ्लोर पे पेंट ना लगे, और साथ ही इसके जो ये नेल्स हैं इनको संभाल लेते हैं, तो इनको मैं इसी एक ड्रॉअर में डाल देती हूँ, अभी ये खुलेंगे। अभी मैं यहाँ नॉब्स को पेंट करने के लिए सिल्वर, मेरे पास एक्रेलिक पेंट है जो बेसिकली हम क्राफ्ट्स वगैरह के लिए, पेंटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा नॉब्स के ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, और एक इसका ये फ़ायदा है कि ये काफ़ी जल्दी से ड्राई हो जाता है। और मैं यहाँ स्पंज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको स्पंज के साथ अगर आप कलर करें ना तो कुछ ऐसे जैसे टैप टैप करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा उसको उसके ऊपर टैप करते जाएं तो उससे काफ़ी अच्छा कलर हो जाएगा, अदरवाइज़ जब आप उसको ब्रश की तरह रगड़ के करते हैं ना तो फिर कलर उतर जाता है। कोट ड्राई हो जाए तो फिर दूसरा कोट कर लूँगी मैं, तो उससे ये है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत रह भी गया है ना तो दूसरी दफ़ा में कवर हो जाएगा अच्छे से। जी तो ये हो गए हैं डन, अभी हम इनको ड्राई होने देते हैं जब तक ये नॉब्स ड्राई होती हैं, और मैं अपने हैंड वॉश कर लूं क्योंकि ये देखें सारा आधा आधा पेंट मेरे हाथों पे लग गया है। यहाँ भी मेरा जो फर्स्ट कोट मैंने किया था पेंट का नॉब्स के ऊपर वो ड्राई हो चुका है, और अभी मैं इनको सेकंड कोट करूँगी, और मैं यहाँ सेम ही स्पंज यूज़ कर रही हूँ। तो दूसरे कोट का ये फ़ायदा होगा कि अगर कहीं कलर नहीं हुआ प्रॉपरली या हाथ लगने से उतर गया है तो वो भी हो जाएगा, और दूसरा एक काफ़ी अच्छी सी शाइन आ जाएगी। अभी हम इसको ड्राई होने देते हैं जब तक मैं अपने हाथ धो लूं, और साथ ही हम ड्रॉ के हाथ वगैरह मैं धोवाई हूँ। तो अभी हम ड्रॉ के लिए ड्रॉअर को लेकर जो मेरा था वो ये था कि मेरे पास यहाँ ये वॉलपेपर है, अगर इसकी कुछ इस तरह से इसका प्रिंट बना हुआ है, ये वॉलपेपर है, ये मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ। तो इसका प्रिंट कुछ ऐसे मिक्स अप लाइंस की तरह ही है। अभी यहाँ देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा रफ सा कटा हुआ है,
तो इसको पहले मैं बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ और फिर मैं इसको अपने ड्रॉर के मुताबिक काटती हूँ। इसका ये जो रफ सा पार्ट है इसको मैंने काट दिया और अभी ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। अभी मैं यहाँ अपने ड्रॉर की मेजरमेंट ले लूँगी कि मेरे ड्रॉर की जो चौड़ाई है उसकी विथ है वो कितनी है। तो यहाँ मेरे ड्रॉर की जो विथ बन रही थी वो 25 थी, तो 25 वो हो गई और 2 इंच उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया जिसको पेपर को मैं साइड पे ग्लू लगा के फोल्ड करूँगी। तो टोटल मेरी 27 बन गई, 27। तो मैं 27 का मार्क अभी पेपर पर लगा के तो पेपर को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ मैं पेपर को कट करने के लिए इस नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी इजीली कट जाता है। तो मैंने पेपर पे जब मेजरमेंट ली, 27 का मार्क लगाया ना, तो मैंने उसे एक सीधी सी लाइन खींच ली। तो अभी मेरे लिए नाइफ से कट करना काफ़ी इजी हो गया है। ओके जनाब, तो यहाँ मैंने जो वॉल पेपर है उसको मैंने कट कर लिया है, तो 2 पीस तो मेरे पास बिल्कुल इक्वल आए हैं। और जो तीसरा पीस है उसके लिए, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको बताया कि वॉल पेपर जो है वो थोड़ा बचा हुआ पड़ा था, तो जो तीसरा पीस है वो मेरे पास ये 2 थोड़े बच गए हैं। तो बेसिकली ये एक जो है वो 27 की पूरी मेजरमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा, तो यहाँ मैं तीसरे ड्रॉर के लिए इन 2 पीसेस को जोड़ के यूज़ करूँगी। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो इसका प्रिंट है ये आप देखेंगे अगर पास से, तो जो इसका प्रिंट है वो लाइक मिक्स एंड मैच हो जाने वाला है। तो ये है कि जब मैं दोनों पीसों को जोड़ के यूज़ करूँगी ना, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाले ड्रॉर पे लगाना शुरू करते हैं। तो इसको मैं लगाने के लिए यहाँ ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ग्लू गन, और हम इसके लिए ग्लू गन एंड ग्लू स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैं सबसे पहले ड्रॉर के नीचे से लगाना शुरू करूँगी। तो ड्रॉर के नीचे तकरीबन 1 से 1.5 इंच के जितनी जगह है जिधर ये पेपर फोल्ड होके लग जाएगा। तो मैं यहाँ ग्लू लगाऊँगी, यानी मैं पेपर के बिल्कुल एज पे ग्लू लगा के और उसको ड्रॉर के नीचे चिपकाती जाऊँगी। लेकिन हमने मेक श्योर करना है कि हमारा 1-1 इंच के जितना एक्स्ट्रा पेपर दोनों साइडों पर रहे, जिसको हम बाद में साइड्स पर फोल्ड कर सकें। तो यहाँ मैंने नीचे जो आपको भी मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने नीचे पेपर को बिल्कुल जोड़ लिया है और अभी पेपर को मैं ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा करूँगी ऐसे। तो मैं पहले पेपर को थोड़ा सा हाथ से दबा के ना उसकी क्रीज सी बना लूँगी, एक लाइन सी बन जाए कुछ इस तरह से। तो हमें जब इसको ग्लू लगाना है तो हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा खींच के लगाएं ताकि इसके अंदर जो है ना वो सलवटें वगैरह इतनी ज़्यादा ना पड़े। थोड़ी बहुत हों तो चले को नहीं, लेकिन ज़्यादा ना पड़े। तो यहाँ भी मैंने इसको सीधा कर लिया है बिल्कुल। तो अभी मैं या तो आप ग्लू को वुड के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रफली जो है वो पेपर के ऊपर ही स्प्रेड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पेपर को नीचे से भी जोड़ दिया है और फिर हम ड्रॉर के अंदर भी इसको अच्छे से जोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ हमने सिर्फ रफली सा ही ग्लू करना है कि पेपर जो है वो ड्रॉर के फ्रंट पार्ट पे अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह हमने अभी मैंने ग्लू लगा के तो इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है और मैं हाथों से आराम आराम से इसको प्रेस करती जाऊंगी ताकि ग्लू और पेपर दोनों वुड के साथ अच्छे से चिपक जाएं। अभी मैंने ये जो मैं अभी आपको फिंगर से पॉइंट बता रही हूँ, तो मैंने पेपर को अभी इतना रख के काटना है। तो मेरा पेपर जो है वो ज़्यादा है अंदर वाली साइड पे, तो मैंने जिस तरह आपको फिंगर से पॉइंट करके दिखाया ना, तो मैंने उतना उसको रखना है। तो मैंने उतना रख के ना, तो मैंने अगेन वही नाइफ यूज़ करके तो मैंने उससे पेपर को बिल्कुल सीधा काट लिया है। ये आप देख रही हैं, इस तरह से मैंने काट लिया है। तो अभी सेम इसी तरीके से मैं ग्लू को अगेन पेपर के एज पे लगाऊंगी और फिर मैं आराम से इसको दबाते हुए पेपर को जो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है तो मुझे इसको कट करके कोशिश करना है कि मैं सिर्फ इस हिस्से को, खाली ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है सिर्फ इसको कवर करूं। तो मैं ये एक्स्ट्रा काटूंगी अभी। ये मैंने कट कर लिए, अभी इसको मैं इधर फोल्ड करूंगी। तो मैं ऐसे फोल्ड करूंगी कि मैं इधर से पहले
इसके मिडिल वाले पार्ट को ऐसे प्रेस कर रही हूँ ऐसे ये, और फिर इन कॉर्नर्स को ऐसे, यानी पहले मैंने बिल्कुल सीधा ऐसे, तो मैंने इसको मिडिल से ऐसे प्रेस किया डाउन, देन ये दो बन गई साइड्स ट्रायंगल से जैसे बनती है ना वैसे बन गए। तो पहले मैंने इसको फोल्ड करना है, अगर आपको लगे ये बड़ा है तो आप इसको कट कर सकते हैं, ये कट कर दिया। अभी मैंने पहले इसको इसके ऊपर जोड़ना है एंड देन मैं इसको ऐसे करके फोल्ड कर लूँगी इसके ऊपर। इसी तरह मैं नीचे भी इसके ऊपर पहले सीधा करूँगी और फिर मैं ऐसे कर लूँगी ये कुछ इस तरह से, तो इस तरह काफ़ी नीट लगता है। तो अभी मैं इसको जोड़ लेती हूँ, तो अभी मैं यहाँ ग्लू लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ ग्लू लग गया, ये हो गया। अभी नीचे वाले को भी मैं इसी तरह से इधर साथ करके जोड़ लूँगी ये वाले हिस्से को, और फिर नीचे से भी मैं इसी तरह फोल्ड ऐसे इधर, और ये जुड़ जाएगा बस। अभी मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ कॉर्नर इधर इसके ऊपर फोल्ड किए और मैंने सारे को ग्लू लगा के जोड़ दिया। सेम थिंग मैंने इधर भी इसको कॉर्नर को, अगर आप बाहर से देखेंगे कुछ ऐसे, इधर से इसको भी मैंने इसी तरह फोल्ड करके ग्लू लगा के इधर से जोड़ दिया, ठीक है। और बाकी ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा जो मैंने फोल्ड करके ग्लू लगाया है। तो अभी मैं यहाँ मेरा रह गया सिर्फ अपना आखिरी वाला जो ड्रॉर है वो रह गया है। तो यहाँ पहले जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इस ड्रॉर के लिए पूरा एक पेपर नहीं बचा, तो मैंने दो पीसेस को यूज़ करना है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था आपको साथ ये भी कि इसका कुछ प्रिंट जो है वो ऐसा बना हुआ है पेपर का, तो ये इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप देखेंगे कि वाकई पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पेपर के दो डिफरेंट पीसेस, दो पेपर के पीसेस यूज़ किए गए हैं। तो अभी मैं दोबारा इसको भी, ये है कि मैंने इसका साइज़ इसको मैच करके ना उसके साथ तो अच्छे से काट लिया, और अभी मैं ग्लू लगा के इसको काफ़ी अच्छे से जोड़ लूँगी। तो ये डन हो गई है ड्रॉर में। ओके, तो अभी मुझे यहाँ ये जो इसकी टॉप है, मैंने इसको पेंट तो किया था लेकिन फिर भी इस पर ये कुछ निशान नज़र आते हैं, तो मुझे इसको कवर करना है। तो मैं यहाँ इस पेपर को लगाऊंगी, इसी पेपर को, तो मैं इतना करके लगाऊंगी कि मुझे यहाँ से ये ब्लैक वाला पार्ट नज़र आए, और ऐसे करके मैं इसको जोड़ दूंगी। तो एक इधर लगेगा एंड देन एक पैच फिर से इधर लगेगा, तो ये है कि ये हिस्सा कवर हो जाएगा। तो मैं इधर से इधर ऊपर ग्लू लगा के तो इसको ऐसे करके इधर जोड़ दूंगी, और पीछे से मैं इसको कट करके तकरीबन एक एक इंच के जितना पीछे करके जोड़ दूंगी इसे ग्लू से। अभी मैं यहाँ पेपर का जो एक पीस था वो मैं जोड़ चुकी हूँ उसके ऊपर, और जो दूसरा पेपर का पीस है उसको भी मैं ग्लू लगा के जोड़ रही हूँ। तो मैंने हर जगह यही कोशिश की है कि मैं पेपर के बिल्कुल एच पे ग्लू लगाऊँ, ताकि वो जो पेपर है वो फिर खुले नहीं, उधर से उखड़ ना जाए। तो अभी काफ़ी अच्छे से लगा के तो मैंने फिंगर से इसको प्रेस करते हुए जोड़ लिया है। तो अभी जो मुझे ये साइड पे एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है इसको मैं ये नाइफ़ यूज़ करके ना तो कट कर दूंगी। तो ये नाइफ़ बहुत हैंडी है, इससे काफ़ी अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट कट हो जाता है। लगा के जोड़ दूंगी। ओके, यहाँ अभी मेरे पास ये डायमंड रैप है ये जो है, तो इसको मैं इसकी दो दो आप देख रहे होंगे इसमें ये लाइनें सी बनी हुई हैं, तो मैं इसकी क्या करूँगी, मैं यहाँ इसकी दो लाइंस को कट कर लूँगी और उन दो लाइन को मैं इधर किनारों पे लगा दूँगी, इधर भी और इस साइड पे भी, दोनों जगहों पे, दोनों किनारों पे मैं दो दो इसकी काट के ना लगा दूँगी। तो पहले मैं इसकी मेजरमेंट ले कर ना तो इसको इतना कट कर लेती हूँ, तो यहाँ मैं दो कट कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ मैंने ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये इसकी दो लाइनें मैंने काट ली हैं, तो इनको मैं इस साइड पे स्टिक करूँगी और फिर इन दो को मैं दूसरी साइड पे स्टिक करूँगी। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाना ये, तो अभी हम ऑल द वे इसको इसी तरह से लगा लेंगे। Thank you.
पे ये डन हो गई है। ये देखिए आप, ये लग गई है डायमंड रैप, मैंने इधर साइड्स पे लगा दी है। ये देखिए इस साइड पे भी लग गई है। तो ये है एक तो काफ़ी अच्छी ये थोड़ी सी इस पे डेकोरेशन सी हो गई है, और दूसरा ये जो इसके कॉर्नर्स पे मैंने कवर को स्टॉप किया था ना, उसको इसने हाइड कर दिया है इस साइड पे भी, एंड देन इस साइड पे भी। ये देखिए आप ऐसे करके ये लग गई है इस पे। अभी रह गए नॉब्स, मैं नॉब्स लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो वो आप इधर देखेंगे तो वो बाइट से आराम से निकलता जा रहा है। ये इसको अंदर से मैं ये है कि कर रही हूँ, तो ये आ गया इधर, ये देखिए। तो अभी इस पे इजीली मैं अपना नॉब लगा लूँगी। ये देखिए, इसलिए मैंने नॉब्स को सिल्वर पेंट किया था क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे ये वॉलपेपर के साथ किस तरह इतने अच्छे से मैच हो रहे हैं। जी तो ये रही ड्रॉअर की फाइनल लुक। तो अभी ये मैं आपको नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ क्योंकि कल रात को ड्रॉअर तो फिनिश हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी सारी, लेकिन लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग को दिखा दूँगी। और ये वो लास्ट वाला ड्रॉअर जिस पे मैंने पेपर के दो पीसेस यूज़ किए थे, क्योंकि मेरा जो पेपर था वो लास्ट ड्रॉअर के लिए पूरा एक पैनल नहीं बचा था, तो मैंने दो पीसेस को यूज़ किया था। तो अगर आप नोट करेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने दो पीसेस को यूज़ किया इधर। तो ये पूरी कुछ ऐसे लग रही है, मैं आपको अभी साइड्स से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपने इसकी साइड्स भी, तो ये ब्लैक और सिल्वर का काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन गया है। और ये रहा इसका टॉप, जिधर कि मैंने ये ब्लिंक रैप की जो मेरे पास लेस सी थी वो मैंने यूज़ की थी। तो इससे ये हुआ है, एक तो साइड्स कवर हो गई थी और दूसरा इससे काफ़ी अच्छी एक फैंसी सी डेकोरेटिव सी लुक आई है। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेकओवर कैसा लगा। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।